वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अमन भल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। माई सेल्फ नितिन कुमार, बी टेक सिविल इंजीनियरिंग, एम टेक CEM, असिस्टेंट प्रोफेसर ABIET। आज हम स्टार्ट करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक फ्यूचर में कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके पास इंडेक्स है, जो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर में, जो जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट आपके पास है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट फाउंडेशंस, नेक्स्ट आपके पास है वॉल्स, नेक्स्ट है मसनरी, नेक्स्ट है स्टोन मसनरी, नेक्स्ट है आर्चेस एंड लिंटल्स, नेक्स्ट आपके पास है डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, नेक्स्ट आपके पास है डैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग, नेक्स्ट है फ्लोर्स, नेक्स्ट रूफ्स, नेक्स्ट है स्टेयर्स, नेक्स्ट है आपके पास सरफेस फिनिशेस, नेक्स्ट है आपके पास एंटी टर्माइट मेजर्स, नेक्स्ट है बिल्डिंग प्लानिंग, नेक्स्ट है बिल्डिंग सर्विसेज, नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, वॉल पैनलिंग, फॉल्स सीलिंग। जो आपको डिटेल सिलेबस है वो आपको पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट से भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.niteenshame.blogspot.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप डायरेक्टली गूगल में टाइप कर सकते हैं और आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। हम अभी ऑफिशियल जो सिलेबस है वो भी अभी हम देखेंगे कि ऑफिशियल सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने और उसकी डिटेल देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर उसमें, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने। तो ये हमारे पास है ऑफिशियल वेबसाइट पे से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है। सिलेबस है हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इसको लर्न करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको आपके पास पॉइंट है डिफाइन द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, सेलेक्ट ए फाउंडेशन फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग, अनपिनिंग एंड देयर कंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क। नेक्स्ट आपके पास सुपरवाइज रबल एंड अशलर टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपके पास है डेमोन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ लिंटल्स एंड आर्चेस एट अप्रोप्रिएट लेवल इन बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज, फ्लोर्स एंड स्टेयरकेसेस इन बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूफ ट्रेसेस एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रूफ्स। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस, फिनिशेस इन बिल्डिंग दैट इज प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग, वाइट वॉशिंग एंड डिस्टेम्परिंग। नेक्स्ट आपके पास है इवाल्युएट द पॉसिबल रीजन ऑफ डैम्पनेस एट वेरियस लेवल इन बिल्डिंग एंड रिमेडियल मीन्स। नेक्स्ट आपके पास है डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू कैरी आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट्स इन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये थे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, लर्निंग आउटकम, ठीक है, जो आप लर्न करोगे इस सब्जेक्ट को आपको क्या क्या आउटकम मिलेगा। तो ये हमने देखा, ये आपका सिलेबस नहीं है, जो हम सिलेबस देखेंगे ये हमारे पास है सिलेबस, इसके नीचे जो भी हम देखेंगे टॉपिक वो हमारे पास सिलेबस है, वो हमने कवर करना है, वो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम होगा उसमें उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो थ्योरी में आपको सबसे पहले जो पोर्शन है वो है इंट्रोडक्शन का पोर्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपको है डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। देन हम बात करें फाउंडेशंस की, तो फाउंडेशंस में आपको टॉपिक जो कवर करने हैं वो है कंसेप्ट ऑफ फाउंडेशन एंड इट्स पर्पस,
टाइप्स ऑफ फाउंडेशन शैलो एंड डीप। शैलो फाउंडेशन में आपको जो टॉपिक कवर करने हैं वो है कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ स्प्रेड फाउंडेशंस ऑफ वॉल्स, मिनिमम डेप्थ क्राइटेरिया, थंब रूल्स फॉर डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, स्टेप्ड फाउंडेशन फॉर मेसनरी पिलर्स एंड कंक्रीट कॉलम्स, इंट्रोडक्शन टू डीप फाउंडेशन एंड देयर टाइप्स। देन नेक्स्ट आपको इसमें इसी में कवर करना है अर्थवर्क के बारे में। इसमें अर्थवर्क में देखना आपने लेआउट, सेटिंग आउट फॉर सरफेस एक्सकवेशन, कटिंग एंड फिलिंग, देन एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस, शोरिंग, टिम्बरिंग एंड डीवाटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको चैप्टर है वॉल्स। वॉल्स में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। फर्स्ट आपके पास है पर्पज ऑफ वॉल्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स में लोड बेयरिंग, नॉन लोड बेयरिंग, ड्वार्फ वॉल्स, रिटेनिंग, ब्रेस्ट वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स एज पर मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ब्रिक, स्टोन, रीइंफोर्स्ड ब्रिक, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्रीकास्ट, हॉलो एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक एंड कंपोजिट मेसनरी वॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास पार्टीशन वॉल्स, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, सूटेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ ब्रिक एंड वुडन पार्टीशन वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्कैफोल्डिंग, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड सूटेबिलिटी ऑफ मसन्स ब्रिकलेस एंड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग, शोरिंग, अंडरपिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है वो है मसनरी का। मसनरी में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। मसनरी में सबसे पहले तो आपको टॉपिक है ब्रिक मसनरी का। ब्रिक मसनरी में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ऑफ टर्म्स लाइक हेडर, स्ट्रक्चर, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, फ्रॉग एंड क्यूनन, कोर्स, बॉन्ड, फेसिंग, बैकिंग, हर्थिंग, जैम्स, रिवील्स, सॉफिट, प्लिंथ, पिलर्स एंड प्लेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद इसी में आपको देखना है बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड उसका बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, नेसेसिटी, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, देन आपको देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल्स, मेथड्स ऑफ लेइंग ब्रिक्स इन वॉल्स, प्रिकॉशंस ऑब्जर्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स, मेथड्स ऑफ बॉन्डिंग न्यू ब्रिक वर्क विद ओल्ड, टूथिंग, रैकिंग, बैक एंड ब्लॉक बॉन्डिंग, एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन जॉइंट्स। देन आपको देखना है मोर्टार्स के बारे में, टाइप्स, सिलेक्शन ऑफ मोर्टार एंड इट्स एंड इट्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट आपको देखना है स्टोन मशीनरी के बारे में। स्टोन मशीनरी में आपको देखना है ग्लोरी ऑफ टर्म्स, नेचुरल बेड, बेडिंग प्लेन्स, स्ट्रिंग कोर्स, कॉर्बल, कॉर्निस, ब्लॉक इन कोर्स ग्रोथिंग, मोल्डिंग, टेम्पलेट्स, कॉर्नर स्टोन, बॉन्ड स्टोन, थ्रोट, थ्रू स्टोन, पार्पेट, कॉपिंग, प्लेस्टर्स एंड बट्रेस। नेक्स्ट आपको देखना है टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी, रबल मशीनरी, रैंडम एंड कोर्स्ड अशलर मशीनरी, प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है वो है आर्चेस एंड लिंटल्स का। आर्चेस एंड लिंटल्स में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो आपके पास है। मीनिंग एंड यूज ऑफ आर्चेस एंड लिंटल्स, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन आर्चेस एंड लिंटल्स, अबूटमेंट, पायर, आर्च रिंग, इंट्राडोस, साफिट, एक्स्ट्राडोस, वर्सियरस, स्प्रिंजर, स्प्रिंगिंग लाइन, क्राउन, की स्टोन, स्क्यू बैक, स्पैन, राइज, डेप्थ ऑफ एन आर्च, हंच, स्पैंड्रिल, जैम्स, बीरिंग, थिकनेस ऑफ लिंटल, इफेक्टिव स्पैन। इसमें आपको करना है आर्चेस के बारे में, टाइप्स ऑफ आर्चेस, सेमी सर्कुलर, सेगमेंटल, इलिप्टिकल एंड पैराबोलिक, फ्लैट, इन्वर्टेड एंड रिलीविंग। नेक्स्ट इसी में आपको कवर करना है स्टोन आर्चेस एंड देयर कंस्ट्रक्शन, ब्रिक आर्चेस एंड देयर कंस्ट्रक्शन। इसी में आपको देखना है लिंटल्स के बारे में, पर्पज ऑफ लिंटल, मटीरियल यूज्ड इन लिंटल्स, कास्ट इन सिटू प्री कास्ट लिंटल्स, लिंटल अलॉन्ग विद सन शेड और छज्जा। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको कवर करना है उसका नाम है डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। ठीक है, डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें देखना आपको ग्लासरी ऑफ टर्म्स विद नीड स्केचेस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स दैट इज वुड, मेटल एंड प्लास्टिक एंड देयर सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स, पैनल्स डोर, फ्लश डोर, ग्लेज डोर, रोलिंग शटर, स्टील डोर, स्लाइडिंग डोर, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम डोर्स। नेक्स्ट आपको देखना है विंडो के बारे में,
panel window, glazed window, fixed end openable ventilators, skylight window, low-various shutters, plastic and aluminium windows, doors and window frames, materials and sections, fixtures and fasteners, hold fasts. ठीक है, नेक्स्ट जो आपको चैप्टर देखना है वो है डैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग. इसमें आपको जो टॉपिक देखने हैं वो है डैम्पनेस एंड इट्स इल इफेक्ट्स ऑन ब्रिक प्लास्टर वुडन फिक्चर मेटल फिक्चर्स एंड रीइंफोर्समेंट डैमेज टू एस्थेटिक अपीयरेंस डैमेज टू हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स डैमेज टू स्टोर्ड आर्टिकल्स एंड हेल्थ. इसी में आपको देखना है सोर्सेस ऑफ डैम्पनेस मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड एग्जाम्पल रेन वाटर सरफेस वाटर ग्राउंड मॉइस्चर moisture entrapped during construction that is moisture in concrete masonry construction and plastering work moisture which originates in the building itself that is water in kitchen and bathrooms etc then damp proofing materials and their specifications which concrete and mortar bitumen mastic polymer coating use of chemicals next jo aapko chapter padhna hai wo hai floors ke bare mein फ्लोर्स में आपको देखना है ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स फ्लोर फिनिश टॉपिंग अंडरलेयर बेस कोर्स रबल फिलिंग एंड देयर पर्पस टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशेस कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल फ्लोरिंग स्टोन मार्बल एंड कोटा फ्लोरिंग टिम्बर फ्लोर फिनिश एंड देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देन नेक्स्ट आपको देखना है स्पेशल एम्फेसिस ऑन लेवल स्लोप रिवर्स स्लोप इन बाथरूम्स टॉयलेट्स किचन बालकनी एंड स्टेयरकेस. नेक्स्ट आपको जो चैप्टर कवर करना है वो है रूफ्स. रूफ्स में आपको कवर करना है टाइप्स ऑफ रूफ्स कंसेप्ट ऑफ फ्लैट पिच्ड एंड आर्च्ड रूफ्स ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स फॉर पिच्ड रूफ्स बैटन ईव्स फेसियल बोर्ड गैबल हिप लैप पर्लिन रैप्टर रैग बोल्ट वैली रिज रेन वाटर गटर एंकरिंग बोल्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी में है रूफ्स में है फॉल्स सीलिंग यूजिंग जिप्सम प्लास्टर बोर्ड्स सीलोटेक्स फाइबर बोर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है स्टेयर्स के बारे में. स्टेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास है ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स स्टेयरकेस वाइंडर्स लैंडिंग स्प्रिंजर नीवल बलस्टर राइजर थ्रेड विथ ऑफ स्टेयरकेस हैंडरेल नोजिंग. नेक्स्ट आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयरकेस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल आरसीसी टिम्बर स्टील एल्युमिनियम. नेक्स्ट आपको देखना है प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ स्टेयरकेस रिलेशंस बिटवीन राइज एंड थ्रेड डिटरमिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग एटसेट्रा. नेक्स्ट आपको देखना है वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट स्ट्रेट फ्लाइट डॉग लेग ओपन वेल क्वार्टर टर्न हाफ टर्न नीवल एंड जियोमेट्रिक स्टेयर्स बाइफरकेटेड स्टेयर एंड देन स्पाइरल स्टेयर. नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है सरफेस फिनिशेस. ठीक है, सरफेस फिनिशेस में आपको देखना है प्लास्टरिंग के बारे में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज एंड फिनिशेस लाइक प्लेन प्लास्टर ग्रिट फिनिश रफ कास्ट पेबल डैश्ड कंक्रीट एंड स्टोन क्लैडिंग एटसेट्रा डबलिंग पोर्शन ऑफ मोटर्स यूज फॉर डिफरेंट प्लास्टर्स टेक्निक्स ऑफ प्लास्टरिंग एंड क्यूरिंग. नेक्स्ट आपको देखना है पॉइंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग एंड देयर मेथड्स. देन आपको देखना है पेंटिंग प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्राइमर कोट एंड एप्लीकेशन ऑफ पेंट्स ऑन वुड वुडन स्टील एंड प्लास्टर्ड वॉल सरफेसेस. ठीक है, तो नेक्स्ट आपको देखना है एप्लीकेशन ऑफ व्हाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग डिस्टेम्परिंग पॉलिशिंग एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टर पेंट्स सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट पेंट्स फिनिशेस फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेसेस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सरफेसेस सच एज हैकिंग ग्रूविंग एटसेट्रा बिफोर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस फिनिशेस. ठीक है, तो जो भी आपके पास स्टार और डबल स्टार मार्क है, ठीक है, तो वो आपको किसी भी फील्ड विजिट पे ले जाया जाएगा और वो चीजें दिखाई जाएंगी. हो सकता है कॉलेज के आपको कॉलेज की साइट पे ये चीजें दिखाई जाएं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे. ये मेरी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल है. यहाँ पे जाके आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा.
यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।